केवलारी में 25 आंदोलनकारी किसानों को जमानत मिल गई है। किसानों ने प्रशासन पर उनके साथ गलत मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। दरअसल टेल क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई के लिए पानी समस्या को लेकर सिवनी मंडला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया था, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने आश्वासन देकर आंदोलन कुछ ही देर में समाप्त कर दिया था। इस आंदोलन में शामिल 25 किसानों पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की थी। जमानत के बाद एक बार फिर मुद्दा तूल पकड़ रहा है। प्रकार के सार्वजनिक नुकसान यातायात बाधित नहीं किया गया था, किंतु सिंचाई विभाग के इंजीनियर के द्वारा किसानों से द्वेषपूर्ण रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज कर धारा 341 और 147 का प्रकरण बना दिया गया है। जबकि एक और किसान हितैषी सरकार मध्य प्रदेश में है और दूसरी ओर किसानों के साथ में इतना दोषपूर्ण अन्यायपूर्ण रवैया ठीक नहीं है। मामला यह है कि किसानों को गेहूं की अपनी बोनी के लिए, गेहूं पकाने के लिए पानी की आवश्यकता थी, जिसके लिए लगातार किसानों के द्वारा अपने उच्च विभाग में बोला जा रहा था, लगातार बोला गया, पर अधिकारियों की ना सुनने के कारण, सरकार की चैतन्यता ना होने के कारण वहाँ पर किसानों के द्वारा एक आंदोलन किया गया, जो आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था, एक धरना प्रदर्शन था। जब वहाँ अधिकारी उसके बाद भी नहीं पहुँचे तो फिर किसानों को मजबूर होकर रोडों में अपनी मांगों के लिए बैठना पड़ा। पानी की मांगों के लिए किसान रोड में बैठा है और आज उसी फसल ना पकने के कारण किसान इस न्यायालय में आके खड़ा है, जिसके ऊपर उसका विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने, SDO के द्वारा कार्रवाई की गई है।